हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। तो किस तरह से घर में बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी आलू की सब्जी, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 350 ग्राम के करीब आप पत्ता गोभी ले लें, और इसके साथ ही आपको लेने हैं यहाँ पर आलू। तो कच्चे आलू लिए मैंने, तो यहाँ पर 20 साइज के मीडियम साइज के आलू हैं, यानी कि आलू बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लेने हैं, बड़े भी नहीं लेने हैं, तो 4 से 5 आलू ले लें। पत्ता गोभी को इस तरह से हम लंबाई में काट लेंगे और उसके बाद में आलू को भी छील लेंगे। आलू को छील कर हमें इसको 2 टुकड़ों में कट करना है, इस तरह से काट लें। तो सब्जी को हमने काट कर रख लिया है, अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कुकर लिया है, कुकर में हम सबसे पहले आलू और पत्ता गोभी दोनों को डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी, और इसमें 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, सिर्फ 2 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड करेंगे, या फिर 1/4 चम्मच आप इसमें हल्दी डाल दें। तो 1 कप पानी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। एक बार मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को और फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे। तो पत्ता गोभी की सब्जी बॉईल होने के बाद में थोड़े से पानी को छोड़ेगी, तो आप बिल्कुल वरी न करें, क्योंकि जो पानी ये रिलीज होगा तो वो पानी भी हम सब्जी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुकर जब ठंडा हो गया था, कुकर में से प्रेशर पूरा निकल गया, ढक्कन को मैंने हटा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी तो पक ही जाएगा, बहुत ही नरम होता है, और आलू भी यहाँ पर पक चुका है, ये देखिए। तो अब इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। तो अब हमें सब्जी के लिए एक तड़का बनाना है बहुत ही टेस्टी, जिस तरह से ढाबे वगैरह में बनाया जाता है। इसके लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल लेकर अच्छे से गर्म कर लें, और इसमें डालें 1 चम्मच जीरा। साथ ही हम इसमें कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 1 से 2 आपको डालने हैं तेजपत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपको डालना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौटे करेंगे, और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हरी मिर्ची हमने डाल दी है, साथ ही हम इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं यहाँ पर आपको दिखाना भूल गई हूँ, पर आप जब भी ये सब्जी बनाएं तो इसमें 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट जरूर ऐड करें, या फिर अदरक और लहसुन को थोड़ा सा बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 से 3 प्याज ऐड करेंगे, प्याज हमें ज़्यादा डालनी है और इस तरह से लंबाई में काट कर, या फिर छोटी छोटी काट कर डालनी है। प्याज को भी हम जब अच्छे से भून लेंगे, जब ब्राउन हो जाएगी, इसके बाद में हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को यहाँ पर हमने कट करके डाला है, साथ ही 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, देगी मिर्च डाली है मैंने, और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और प्याज इस तरह से चाहे तो लंबाई में काट कर डालें या छोटा छोटा काट कर डालें, और प्याज को अच्छे से भूनना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पिसा हुआ टमाटर। तो आप 2 टमाटर या 1 टमाटर लेकर मिक्सी में पीस लें और वो डाल दें, या फिर मेरी तरह आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून घर की बनी हुई या मार्केट की टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको सब्जी को बहुत अच्छी ग्रेवी मिलती है। तो कोई वरी ना करें, आप कच्चे टमाटर लेकर मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, और अच्छे से सारे पेस्ट को ढक ढक कर पका लें। जब अच्छे से सारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा, तो इसके बाद में हम इसमें बॉईल किया हुआ आलू और पत्ता गोभी डाल देंगे। मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें इस तरह से आलू और पत्ता गोभी डाल दें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला है। और ये देखिए डाला है मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, अब एक्चुअल काम आता है सब्जी को पकाने का। तो अभी तक सब्जी हमारी बनकर तैयार नहीं हुई है। अगर आप इसको तुरंत से 2 मिनट में ही सर्व कर देंगे, यानी कि तुरंत से मिक्स करने के बाद में आप सोचेंगे कि इसको सर्व करना है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, पत्ता गोभी और आलू दोनों उबला हुआ था, तो बिल्कुल उबला उबलापन आपको लगेगा, एक वैसा टेस्ट आएगा। तो इसको ढककर आपको बिल्कुल धीमी आंच में 15 से 20 मिनट तक पकाना है, तभी आपको वो ढाबे वाला बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिलेगा। क्योंकि सारी चीज़ें जितने फ्लेवर्स हैं वो सबकी सब सब्जी के अंदर जाएंगे, तभी मज़ा आएगा। और खोलकर भी इसको आप लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच में पका लें, बीच बीच में 1-2 बार चला सकते हैं। तो तब आपकी तैयार होगी यहाँ पर आलू पत्ता गोभी की सब्जी।
तो इस तरह से आलू पत्ता गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर आप देखिए, बहुत ही अच्छी कैबेज रेसिपी है और आप इसको अपने घर में बिल्कुल इसी तरह से बनाकर जरूर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करें। लंच में, डिनर में आप इसको कभी भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में रखिए, आप ऑफिस ले जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो आई एम श्योर आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।